गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ऑल आर फाइन, वेरी नाइस। चलिए आज हम सबसे पहले इंग्लिश में एबीसीडी करेंगे, ए टू जेड तक करेंगे। आज हम लिखेंगे भी और देखेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको लिखवा दिया है कि कैसे लिखते हैं विथ डॉट, ओके। और आपको घर पर आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, वो ए टू जेड हमारा पूरा ये साल में कैसे लिखना है वो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन फिर उसका हम आज रिविजन करते हैं। आपको बुक में लिखना है, देखिए ए कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले वन स्लैंटिंग लाइन, सेकंड स्लैंटिंग लाइन, बीच में स्लीपिंग लाइन ए, ओके। ए फॉर एप्पल। बी कैसे लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, वन कर्व, टू कर्व, बी। सी कैसे लिखेंगे, लेफ्ट कर्व। डी कैसे लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व। ई कैसे लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, वन टू थ्री स्लीपिंग लाइन, ओके। एफ कैसे लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, वन एंड टू स्लीपिंग लाइन। जी कैसे लिखेंगे, लेफ्ट कर्व, अप स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, जी, जी फॉर गेट। ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच कैसे लिखेंगे, एच में ऐसे डॉट्स होंगे, ठीक है। वन स्टैंडिंग लाइन, सेकंड स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन, एच, एच फॉर हॉर्स। आई कैसे लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, वन एंड टू स्लीपिंग लाइन। जे कैसे लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, कॉ ऊपर स्लीपिंग लाइन। K कैसे लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, वन स्लैंटिंग लाइन, सेकंड स्लैंटिंग लाइन, K, K फॉर की। L कैसे लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, L, L फॉर लैम्प। अभी M कैसे लिखेंगे, स्लैंटिंग लाइन, सेकंड स्लैंटिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन, फिर स्लैंटिंग लाइन। इसको अप एंड डाउन लाइंस भी आप बोल सकते हैं, ओके। एन कैसे लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, वन स्लैंटिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन, एन, एन फॉर नोज। ओ कैसे लिखेंगे, सर्कल जैसा ओ। टी कैसे लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, वन कर्व। क्यू कैसे लिखेंगे, सर्कल एंड स्टैंडिंग लाइन, ओके। आर कैसे लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, राइट कर्व, स्लैंटिंग लाइन, आर। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ओके। यहां तक क्या, अब हम एस से स्टार्ट करेंगे। क्या आएगा, एस, एस में क्या करेंगे, एक लेफ्ट कर्व लेंगे और एक राइट, एस, एस फॉर सन। अभी हम डी कैसे लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। यू कैसे लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन, टर्न, अगेन स्टैंडिंग लाइन। जैसे यहाँ पे नीचे जब आप यू में आप आते हो तो यहाँ पे टर्न करना होता है, ओके। सेम डॉट होगा वी का भी, वो दोनों बाजू बाजू में ही आएंगे। तो क्या करना है इसमें, वन स्लैंटिंग लाइन, सेकंड स्लैंटिंग लाइन, ओके। अभी आएगा डब्ल्यू, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, अगेन स्लैंटिंग लाइन। अभी आएगा X,
अभी यहाँ पे आएगा वाई, वन स्लैंटिंग लाइन, सेकंड स्लैंटिंग लाइन वाई। अभी यहाँ पे आएगा जेड, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, अगेन स्लीपिंग लाइन। ओके, ये हो गया हमारा ए टू जेड। आज कैसे लिखना है विद डॉट आपको आता ही होगा, लेकिन काफी टाइम से हमने इसका रिविजन नहीं किया था, आज इसका रिविजन कर दिया है। ओके, चलिए अभी हम हिंदी करेंगे। लुक एट द बुक। ओके, हिंदी में क्या करेंगे आज, अक्षर को पढ़िए और सही चित्र पर गोला बनाइए। ठीक है, ये मैंने आगे भी आपको करवा दिया है। अक्षर को पढ़िए, सबसे पहले अक्षर को पढ़िए। ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा स्वर है, अ। अ से क्या होता है, अ से अनार। तो आपको यहाँ पे अनार दिख रहा है, यस यहाँ पे है अनार। तो अ से अनार, तो अनार पर हम सर्कल बनाएंगे यानी कि गोला बनाएंगे। ओके, ये कौन सा अक्षर है, छोटा ऊ। ऊ नहीं बोलना है, छोटा ऊ बोलना है। छोटा ऊ से क्या होता है, आम होता है, उल्लू होता है या आलू होता है। छोटा ऊ से उल्लू, यस। तो उल्लू पे हम गोला बनाएंगे। ये क्या है, छोटा ए। छोटा ए से क्या होता है, एड़ी, ऊन या अनानास। छोटा ए से एड़ी, तो एड़ी पे हम गोला बनाएंगे। ओके, अभी ये है कौन सा अक्षर, छोटी ई। छोटी ई से उपहार होता है, ऋषि होता है या इमली होता है। छोटी ई से इमली, तो हम इमली पे गोला बनाएंगे। ओके, ये कौन सा अक्षर है, औ। औ से एनक होता है, अंगूठी होती है या औरत होती है। औ से औरत, तो औरत पर हम गोला बनाएंगे। ठीक है, ओके। फिर देखेंगे हम चित्र, देखिए और पहला अक्षर लिखिए, सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है। इसमें पहले अक्षर को पहचानना था, फिर चित्र देखना था, है ना। अभी इसमें क्या है, चित्र पहले देखना है फिर अक्षर लिखना है। ओके, ये क्या है, अनार। अनार का पहला अक्षर क्या होता है, अ। अ से अनार, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अ। दूसरा पिक्चर है उल्लू, किससे उल्लू होता है, छोटा ऊ से उल्लू, तो हम यहाँ पर छोटा ऊ लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, एनक। क्या होता है एनक का पहला अक्षर, बड़ा ए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बड़ा ए। ये क्या है, किसका पिक्चर है, आम का, तो क्या होता है पहला अक्षर, आ। अ के बाजू में एक मात्रा आ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आ, तो हो जाएगा आम। ठीक है, ये क्या है, औरत। औरत का पहला अक्षर क्या होता है, औ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे औ, तो हो जाएगा औरत। ये क्या है, इमली। इमली किससे होता है, बड़ी ई से होती है या छोटी ई से इमली होती है, छोटी ई से, यस। तो छोटी ई यहाँ पे हम लिखेंगे छोटी ई, तो हो जाएगा इमली। ये क्या है, अंगूर। अंगूर का पहला अक्षर क्या होता है, अंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंग, अ के ऊपर एक डॉट वाला, तो हो जाएगा अंगूर। ये क्या है, एड़ी। किससे होता है एड़ी, बड़ा ऐसे या छोटा, छोटा ऐसे, छोटा ऐसे एड़ी, तो हम यहाँ पे छोटा ए लिखेंगे, तो हो जाएगा एड़ी। ठीक है, अभी हम करेंगे मैथ्स। मैथ्स में हम नंबर करेंगे। वन टू ट्वेंटी तक हम फ्लैश कार्ड से नंबर करेंगे। ओके, एक इजी और अच्छा तरीका है आइडेंटिफाई करने का। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स। बोलना है आपको मेरे साथ, ठीक है, नंबर
नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये लास्ट नंबर है 2020। ठीक है, ये आपको घर पर आइडेंटिफाई करना है और अगली बार हमने कलर्स और शेप्स किए थे, आज हम बॉडी पार्ट करेंगे। ठीक है, ये जीके की बुक तो हमने लास्ट तक सब खत्म ही कर दिया है, पहले से शुरू की है, ये सब हमने कर लिया है, तो हम स्टार्टिंग से करेंगे आज। ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी करेंगे। देखिए, हेयर, हेड, आईज, नोज, चिक्स, ईयर्स, लिप्स, टिथ, टंग, चीन, नेक, शोल्डर, हैंड, इसको आप आर्म भी बोल सकते हैं, एल्बो, पाम, फिंगर, थंब, चेस्ट, स्टमक, वेस्ट, थाई, नीज, लेग, फुट। ओके, ये हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, ये आपके भी सेम होते हैं, आप घर पर आईने के सामने भी खुद को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, कि आपकी आईज कहाँ है, देखो देखो, खुद की आईज देखनी है तो कहाँ देखेंगे हम, मिरर में। ओके, खुद के हेयर देखने तो हम कहाँ देखते हैं, मम्मी बाल बनाती है, हम बाल बनाते हैं, कहाँ देखते हैं हम, मिरर में। तो आप मिरर के सामने खड़े होके आप खुद के बॉडी पार्ट्स अच्छे से देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हैंड है, देखिए मेरी फिंगर है, ये मेरा थंब है, ये पाम है, आर्म है, हैंड या जो भी, चाहे लेग है, कुछ भी आप अपना मिरर के सामने आप खुद को रख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये आइडेंटिफाई करना है, लिखने की भी प्रैक्टिस आपको घर पर अच्छे से करनी है। ओके, बाय बाय।